हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, सचिवालय की तरफ से आप यहां पे देख सकते हैं एक कैबिनेट बैठक का लेटर जारी किया गया है जो कि 10 अप्रैल को है। ये लेटर देख सकते हैं यहां पे 6 अप्रैल यानी कल की डेट में आज जारी किया गया है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और सभी मंत्रीगण को सूचित किया गया है। तो चलिए इस लेटर का एक बार रिव्यू कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं निर्देशानुसार दिनांक 10/4/2023 यानी 10 अप्रैल को सोमवार को अपराह्न 2 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं सभी विभाग के जितने विभाग मंत्रिमंडल में उन सभी को ये टैग किया गया है, सूचित किया गया है और सभी विभाग के मंत्री इस कैबिनेट बैठक में शामिल होंगे। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम ही होगा जब से नया सरकार गठबंधन सरकार बना है उसके बाद से ना जाने कितने लेटर ये जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक एक भी कैबिनेट बैठक में शिक्षक बहाली से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं की गई। आज की गठबंधन सरकार का बहुत बड़ा दावा था सत्ता माने से पहले, हमारे फर्स्ट कैबिनेट बैठक में ही सभी युवाओं को 10 लाख नौकरी का तोहफा मिलेगा, लेकिन 10 लाख के अभी तक तो 1 लाख भी नौकरी का यहाँ पे कोई भी चर्चा नहीं किया गया। आखिर सरकार की मंशा क्या है, आखिर कब तक ये नोटिफिकेशन और बहाली निकालेगी, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन बिहार के तमाम शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बस इंतजार तो है ऐसे ही एक आखिरी लेटर का, जिस लेटर में उनके नियुक्ति पत्र से संबंधित बात की गई हो और वो कैबिनेट बैठक सभी शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए आखिरी बैठक हो। तो फ्रेंड्स, इस कैबिनेट बैठक में बहाली संबंधित नोटिफिकेशन संबंधित क्या बात होती है ये तो मीटिंग होने के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।